नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 2011 में शिक्षा विभाग से रिटायर हुए टीचर प्रेम सप्रे पिछले 8 सालों से अपनी पेंशन शुरू कराने को लेकर बेहद परेशान है। रिटायर्ड टीचर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बार पत्र लिखकर मदद की फरियाद भी कर चुके हैं, लेकिन रिटायर्ड शिक्षक की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सेवानिवृत्त टीचर ने थक हार कर एक ऐसा पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपने पेंशन की समस्या को हल किए जाने की मांग की है, और अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। रिटायर्ड टीचर के मुताबिक उन्होंने पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन उस समय के अधिकारियों ने रिश्वत नहीं मिलने के कारण पेंशन के फॉर्म को खो दिया था। इस सूरत हाल में अपने आदर्शों के चलते रिटायर्ड टीचर दूसरा फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने जिला शिक्षा अधिकारी SP त्रिपाठी से बात की तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने स्तर पर सेवानिवृत्त शिक्षक से कई बार संपर्क साधा था, लेकिन रिटायर्ड टीचर ना तो कार्यालय में आकर अपनी बात कहना चाहते हैं और ना ही दूसरा फॉर्म भरने को तैयार हैं। जिला शिक्षा अधिकारी SP त्रिपाठी ने आश्वासन दिया है कि शिक्षा विभाग सेवानिवृत्त शिक्षक की हर संभव मदद करने को तैयार है, और साथ ही साथ एक टीम को गठित कर उनके घर भी भेजेंगे। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से LN चौबे की रिपोर्ट। प्रकाश सप्रे, सप्रे जी किस विभाग में थे और क्या परेशानी आपको आ रही? शिक्षा विभाग विदिशा और संस्था मेरी बरखेड़ा कछवा और संकुल केंद्र उमावी हासुआ। रिटायर्ड कब हुए थे? 1 अगस्त 2011। फिर इसके बाद में पेंशन शुरू हुई आपकी? पेंशन शुरू नहीं हुई, कुछ समय मिली थी। उन्होंने 1 अगस्त 2011 से June 2012 तक एंटीसिपेटरी वैकल्पिक जिसे बोलते हैं वो थी। फिर पेंशन 75%। फिर पेंशन मैं इनके लिए 12 के आखिरी में इनके लिए मैं पेंशन प्रकरण फॉर्म दे चुका था, और इसके बाद इससे पहले क्या कहते हैं इन्होंने GPA GIS और आपका एरियर और सातवें वेतनमान का एरियर और इसके बाद लीव सरेंडर, ऐसे 4-5 मत थे यानी उन्होंने करीब करीब 6 कुछ यानी लगभग 7 लाख करीब इन्होंने मेरा क्लेम निकाला। इसकी मैंने सेवा शुल्क से उनकी सेवा नहीं करी। जब सेवा नहीं करी तो इसके बाद जब पेंशन फाइनल वाली बात आई तो मैं फॉर्म देने जब गया तो इन्होंने कह दिया यानी आप कोई वो नहीं करते, सेवा युवा नहीं करते, हम आपको केस नहीं कर सकते। मैं विवश था, मैंने उनके लिए फॉर्म दे दिया। कौन लोग हैं, नाम बताएं? RK जैन और VK तिवारी। क्या थे उस टाइम, कहाँ पे थे? वे उमा भी हाथ हुआ प्राचार्य थे RK जैन और VK तिवारी अकाउंटेंट गणक थे। उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया रही? अभी 8 साल हो गए आपको, पेंशन शुरू हो पाई नहीं हो पाई। अब आवेदन तो मैंने हर जगह दिए, अब ये आप पूछ लीजिए कहाँ आवेदन नहीं दिए। आगे क्या कदम आप चाह रहे हैं, क्या उठाना चाह रहे हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनके लिए पेंशन प्रकरण फॉर्म दे चुका था, अब फर्जीवाड़े के लिए चूंकि विभाग चर्चित है इसलिए मैं उनके लिए दूसरा पेंशन प्रकरण फॉर्म में नहीं दे सकता। फिर ऐसी परिस्थिति में पेंशन कैसे शुरू हो पाई, फिर क्या करेंगे, क्या कदम होगा आपका? हाथ जोड़ के विनंती है मुझे आत्महत्या की परमिशन दे दीजिए। जब मैं दे चुका हूँ फिर वो मेरा पेंशन प्रकरण फॉर्म गया कहाँ, किस स्थिति में गुजर रहा है ये हम जानते हैं, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता। पेंशन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पेंशन फॉर्म जमा करना संबंधित कर्मचारी द्वारा। जब मुझे जानकारी मिली, जब मैं यहाँ आया और ये पता चला कि इनकी पेंशन नहीं बनी है, तो लोगों ने, हमारे स्टाफ के लोगों ने बताया कि वो पेंशन फॉर्म में दस्तखत नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे पहले तत्कालीन DO थे नेमा जी, मुदगिल जी, ये सभी लोग उनसे संपर्क किए,
लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया। मैंने उनका दूरभाष लेके जब उनसे बात की, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप इसमें हस्ताक्षर कर दें तो आपकी पेंशन हम बनवा दें, तो उन्होंने कहा कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैंने जब उनसे पूछा कि आप हस्ताक्षर क्यों नहीं करेंगे, आपको शासन के द्वारा जो सेवाएं आपने दिया है शासन को उसके बदले में ये पेंशन महत्वपूर्ण उपलब्धि शासन देता है तो आप भर देंगे तो आपकी पेंशन हम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको दे देंगे, तो आपके सारे एरियर्स भी हम करवा देंगे, आपके घर भी हम आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे घर मत आइएगा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर आए। तो अब वो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया तो ये कहा कि मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। मैंने उनसे पूछा किसको जमा किया है, जिनका नाम बताया उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं फॉर्म नहीं दिया साहब। अब फॉर्म नहीं दिया, फिर उनसे मैंने पूछा कोई पावती आपके पास हो तो हमें अवगत करा दीजिए, दे दीजिए तो मैं उसमें अगली कार्रवाई कर सकूं, तो उनके पास पावती भी नहीं है। अब मैंने ये सोचा है कि एक कमेटी बना के और उस कमेटी को उनके घर भेजता हूँ एक बार फिर फॉर्म लेके कि यदि आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम आपके पेंशन का निराकरण कर सकेंगे, अदरवाइज यदि वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ऐसा कोई रूल नहीं है पेंशन में कि बिना हस्ताक्षर के हम पेंशन स्वीकृत करा सके ट्रेजरी से। उनका ये आरोप भी है कि जो हांसुआ में तत्कालीन जो वहाँ पे प्राचार्य थे आर के जैन साहब और अकाउंटेंट बी के तिवारी जी, उन्होंने ये कहा था कि आपने सेवा शुल्क नहीं दिया इसलिए आपका फॉर्म नहीं भरने दे रहे, ऐसे आरोप उन्होंने लगाया। देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, उसका तो कोई प्रामाणिक बात नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने उनसे मान लीजिए इधर उधर की बातें की हूँ जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उसके बाद तो नेमा जी जो जिला शिक्षा अधिकारी थे तत्कालीन उनके घर गए थे कि आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अब मैंने बात किया, मुदगिल जी ने प्रयास किया, तो एक बात को लेके आप पढ़े हो कि नहीं हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उससे लाभ आप ही का होना है, और जो बातें आप कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। अब प्रमाण यदि है तो वो प्रस्तुत करिए, और प्रमाण प्रस्तुत भी करेंगे तब भी हमको उनके हस्ताक्षर तो चाहिए ही, तो हस्ताक्षर तो उनको करना चाहिए, तो नहीं करेंगे तो दिक्कत तो है, फिर पेंशन से ही फिक्र करना।